स्टूडेंट्स तो आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ स्टैंडर्ड इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट थ्री हमने फीचर्स उसके कवर कर चुके हैं पार्ट टू में एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स हमने कवर किया है पार्ट पार्ट में आज हम हम स्टार्ट करेंगे 3, और इसमें हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है तो मैंने आपको बताई थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम किसी भी यूनिट्स की स्मॉल इंडिविजुअल लेवल में स्टडी करते हैं स्मॉल पार्ट में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो पहला है हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी फैक्टर और प्रोडक्शन की प्राइस को डिटरमाइन करना मैंने आपको फैक्टर और प्रोडक्शन का मीनिंग बताई थी जो भी चीज हमें प्रोडक्शन के लिए लग रही है प्रोडक्शन के लिए हमें क्या लगता है सबसे इम्पोर्टेंट लैंड लेबर वहां पे काम करने वाले लोग लेबर और हमें लगता है कोई कैपिटल पैसा लगता है और एंट्रप्रेनर ओनर उस उस बिजनेस को स्टार्ट करने का आइडिया लाने वाला ओनर ठीक है तो हमें चार चार्जेज लगती है लैंड लेबर कैपिटल एंड एंट्रप्रेनर लैंड को मिलता है रेंट लेबर को मिलते हैं वेजेस कैपिटल मिलता है इंटरेस्ट एंड एंटरप्रन को मिलता है प्रॉफिट तो ये सारा चीज का डिसीजन भी हम कहाँ पे लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर प्रोडक्शंस आर डिटरमाइंड हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक प्रोडक्ट की प्राइस और फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस डिसाइड करते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही स्टडी होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी की फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब आपके हाथ में है आपको कितना प्रोड्यूस करना है कितना नहीं करना है कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है ये सारा डिसीजंस आपके हाथ में होता है एक प्राइवेट सेक्टर के ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे आप टोटल फ्री हो आपके ऊपर किसी का रिस्ट्रिक्शंस नहीं है फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी वे आर द इकोनॉमिक डिसीजन हम सारे इकोनॉमी के डिसीजन्स रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स आपको कितना प्रोडक्शन करना है सच एज अ वॉट टू प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करना है हाउ मच टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस कैसे प्रोड्यूस करना है आर टेकन इंडिविजुअल लेवल हर एक इंडिविजुअल लेवल में इनका डिसीजन लिया जाता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में देयर इज अ नो इंटरवेंशन इंटरवेंशन का मतलब है रिस्ट्रिक्शंस कोई भी इंटरवेंशन नहीं होता है बाय द गवर्नमेंट और एनी अदर एजेंसी ना तो गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी रिस्ट्रिक्शंस होता है और ना ही कोई अदर एजेंसी आपको कोई भी रिस्ट्रिक्शंस कर सकती है तो ये होता है कि इसमें यह इंपॉर्टेंस है किसका माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो इंडिविजुअल लेवल में हर एक इंडिविजुअल डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करना है कितना प्रोड्यूस करना है कैसे प्रोड्यूस करना है आप एकदम फ्री होते हो आपके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता फॉरेन ट्रेड हम हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेन ट्रेड को स्टडी करते हैं पर कुछ लिमिट तक ठीक है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड फॉरेन ट्रेड के बहुत सारे एस्पेक्ट हम इकोनॉमिक में स्टडी करते हैं लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ टैरिफ का मतलब क्या होता है टैरिफ एक तरह का, का टैक्स है जो गवर्नमेंट लगाती है बाहर के जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में इंपोर्ट होते हैं उन प्रोडक्ट में ताकि वो प्रोडक्ट क्या बन जाए थोड़ा एक्सपेंसिव बन जाए और हमारा डोमेस्टिक मार्केट बचा रहे फॉरेन के जो लोग यहाँ पे कब्जा ना कर पाए ठीक है तो टैरिफ लगाती है गवर्नमेंट बाहर जो बाहर से जो प्रोडक्ट हमारी कंट्री में आते हैं उसमें ठीक है उस उनका प्राइस बढ़ जाता है टैरिफ से ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी किसी कमोडिटी में टैरिफ लगता है जो गवर्नमेंट लगाती है जो भी प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट होते हैं हमारी कंट्री में डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट करेंसी एक्सचेंज रेट भी डिसाइड होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये भी उसका एक इंपॉर्टेंस है मतलब कि आप अगर डॉलर से अगर इंडियन रुपीस एक्सचेंज हो रहा है तो करेंसी एक्सचेंज रेट क्या होगा ये भी हम इसमें डिसाइड करते हैं टू कंट्री के बीच में हाँ ठीक है और गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड हमने जो भी बाहर की कंट्री से ट्रेड किया है ट्रेड का मीनिंग होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस तो हमने जो भी बाहर की कंट्री से ट्रेड किया है उससे हमें कितना गेन हुआ हमें कितना प्रॉफिट हुआ ये भी हम करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी टू अ पर्टिकुलर कंट्री पॉइंट समझा इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग देखो इकोनॉमिक एक बहुत कॉम्प्लेक्स है मतलब आपको इतना इजीली समझ में आएगा उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट है अलग अलग टर्मोलॉजी है तो इसकी स्टडी भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन अलग अलग जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड करने में हमें माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है विद द हेल्प ऑफ देखो विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल जो अलग अलग इकोनॉमिक मॉडल है इससे हमें अंडरस्टैंड करने में इकोनॉमी की अलग अलग सिचुएशन को माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है इट मेड अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी बाई डेवलपिंग वेरियस टर्म बहुत सारे उन्होंने टर्म डेवलप किए हैं कॉन्सेप्ट टर्मोलॉजी टूल्स ऑफ इकोनॉमिक एनालाइस इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स को जनरेट किया है अलग अलग टर्मोलॉजी को जनरेट किया है जिससे हम इकोनॉमी का एनालाइज कर पाए इकोनॉमी की सही तरीके से खोज कर पाए इकोनॉमिक uh, मॉडल

ठीक है पॉइंट समझा देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ना सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझना पड़ेगा कॉस्ट मतलब कि प्रोडक्शन का कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है प्रोडक्शन का कॉस्ट जैसे अगर मैंने सिल्क प्रोड्यूस की ठीक है मार्केट में सिल्क की प्राइस जो एम है मार्केट प्राइस जो चल रही है वो चल रही है ट्वेंटी ठीक है ट्वेंटी चल रही है अब मेरी जो सिल्क का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन है सिल्क का वो आया मेरा एटीन ठीक है और मेरा फिर उसमें प्रॉफिट मैं प्रॉफिट कितना ऐड कर सकती हूँ सिर्फ दो क्योंकि मार्केट की प्राइस क्या चल रही है ट्वेंटी तो मैं ट्वेंटी से ज्यादा तो प्राइस रख ही नहीं सकती कोई परचेस नहीं करेगा तो मेरा प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आपका अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेवेंटीन है तो आप थ्री कर सकते हो प्राइस प्रॉफिट ठीक है अगर आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिफ्टीन है तो आपको फाइव का प्रॉफिट होगा तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेन रोल प्ले करता है आपके प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए ठीक है और आउटपुट क्या होता है आउटपुट का मतलब होता है फिनिश गुड्स जो भी गुड्स आपने कंज्यूमर को बेचने के लिए बना लिया है उसको हम बोलेंगे आउटपुट ठीक है और इनपुट होता है हमारा रॉ मटेरियल जो हम गुड्स बनाने के लिए लाते हैं उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल तो वो हमारे इनपुट जैसे कि अगर आपको आपका रॉ मटेरियल है जब वो बेंच बन जाएगा तो वो आपका फिनिश गुड्स है वो आपका क्या है वो आपका फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स क्या होता है आउटपुट एंड रॉ मटेरियल होता है हमारा इनपुट पॉइंट समझा उसके बाद यूजफुल टू गवर्नमेंट जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक की पॉलिसी है वो गवर्नमेंट के लिए बहुत यूजफुल है इट इज यूजफुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग इकोनॉमिक पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए क्यों यूजफुल होती है गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने के लिए हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज होती है सच एज सच्चा टैक्सन पॉलिसी टैक्स की पॉलिसी बनाने के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी पब्लिक के ऊपर हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है कितना खर्चा करना है प्राइस पॉलिसी एक्सेट्रा दिस पॉलिसी हेल्प अ गवर्नमेंट टू अटेन द गोल इफिशियंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स मतलब हम जितने भी रिसोर्स हमारे पास है उसका सही तरीके से यूज करें बिना वेस्टेज उसको हम बोलते हैं एफिशिएंटली एलोकेशन ऑफ रिसोर्स आप अपनी फुल कैपेसिटी से रिसोर्स का यूज कर रहे हो विदाउट वेस्टेज ठीक है एंड प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी और इको इकोनॉमिक वेलफेयर हम अपनी सोसाइटी का वेलफेयर कर पाए उनका भला कर पाए ठीक है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी ये इंपॉर्टेंट से माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट इन टू ऑप्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स हमें माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प करता है कि हम ये समझ पाए कि हम जितना अच्छे से जितना सही तरीके से हम अपने जो रिसोर्स है उसका यूटिलाइजेशन करेंगे उतना अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा और हमारी इकोनॉमी ग्रो होंगी तो ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स से समझता है जैसे कि अगर आप ट्वेल्थ में हो और ट्वेल्थ में आप जितना इफिशियंटली डेली आप अपनी पढ़ाई को दोगे जैसे मैं अपनी पढ़ाई को डेली थ्री आवर्स दे रही हूँ इफिशियटली फुल कैपेसिटी के साथ तो मेरे नाइन्टी परसेंट आने ही है तो आप जितना इफिशियंटली काम करोगे जितना इफिशियंटली आपके पास जो भी रिसोर्स है उसका यूज करोगे उतना ज्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा वैसे ही इकोनॉमिक में भी जितना इफिशियंटली सब काम करेंगे उतना इफिशियंटली प्रोडक्शन होगा एंड हमारी इकोनॉमी का ग्रो होगा and its best allocation study how the tax affect social welfare और ये हमें ये भी स्टडी कराता है कि कैसे टैक्स इफेक्ट करता है सोशल वेलफेयर के क्योंकि टैक्स के थ्रू ही गवर्नमेंट जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को उसके थ्रू ही गवर्नमेंट हमारी इकोनॉमी के लिए काम करती है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करती है हमारा जो पैसा है टैक्स के थ्रू जाता है उससे ही करती है तो वही सारा हम स्टडी करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो आई होप आपको समझा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में कवर